एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल दुर्गाक्षी मेकओवर एंड ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी भी इस रंगोली की तरह रंगीन रहे और दियों की तरह हमेशा चमकती रहे। सो गाइस, एक छोटा सा ब्लॉग शूट किया है आप लोगों के लिए और यहाँ बना रही है मीनू रंगोली। जैसे कि आपको पता है कि हर साल मीनू रंगोली बनाती है। मोनल को ही मीनू कहते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए आपको बता देती हूँ। मोनल ही मीनू है, वो हर साल रंगोली बनाती है दिवाली पे। तो उसका सबको उसकी रंगोली बहुत अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ एक रस्म होती है, सब एक दूसरे के यहाँ दीपक रखने आते हैं, तो जितने भी लोग दीपक रखने के लिए आते हैं वो सब तारीफ करते हैं कि मीनू बहुत अच्छी रंगोली बनाती है। तो आप देख सकते हो। और आपको मीनू की रंगोली कैसी लगी आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, छोटा सा ब्लॉग शूट किया है, उसमें देखिए भव्य आद्या मीनू की हेल्प करा रहे हैं। और ब्लॉग के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि त्योहारों पे तो काम हो ही जाता है, घर का भी काम होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं, बहुत काम हो जाते हैं। फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कि मैम आपका ब्लॉग हर हफ्ते में आना चाहिए, आप लोग, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर हफ्ते आपको हम ब्लॉग दे पाएँ, बट कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के लिए ब्लॉग हम कुछ भी प्रोग्राम हो तो ज़रूर शूट करते हैं और आपके सामने लेके भी आते हैं। रहा है कि एक तो कहीं जाना नहीं हो पा रहा हमारा कि कहीं जा रहे हैं, पहले हम जाते रहते थे तो ब्लॉग शूट कर लेते थे, बट लॉकडाउन हुआ है तब से घर में ही रहते हैं, तो घर में क्या करें के लिए हम ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स भी लेके आए थे, उसकी क्लासेस भी आपको कराई जा रही हैं। और आपकी डिमांड हो रही है कि मैम मेहंदी की क्लास कराइए, आपने मेहंदी में हमको बताया नहीं है। तो मैंने आपको बताया था गाइस कि मेहंदी में जिसको ड्राइंग आती है वो बहुत अच्छी मेहंदी लगा सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मीनू की रंगोली हो गई है कम्प्लीट और हमने दीपक भी लगाए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे दीपक। आप देख सकते हो आधे दीपक जला जला के रख रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। सो गाइज, आप ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स भी करते रहिए, ब्लॉग भी देखते रहिए, साथ ही साथ आप दुर्गाक्षी मेकओवर्स एंड ब्लॉगर की हर एक वीडियो एंजॉय करिए। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी हम लेके आते रहेंगे। अगर फिर भी थोड़ा लेट हो जाता है वीडियो तो आप इग्नोर करना इस बात को, क्योंकि देखो काफ़ी काम हो जाता है गाइज। और हमारी डीएमवी फैमिली है ही बहुत प्यारी, जो कि हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मीनू ने मोर वाली रंगोली बनाई थी, जो कि काफ़ी बहुत 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 अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है आप भी ज़रूर बताइएगा। और मीनू से पूछ ही लेते हैं कहाँ से सीखा मीनू रंगोली बनाना, क्योंकि मुझे रंगोली बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। और ये टैलेंट है, टैलेंट, ये तो टैलेंट है, पता है, ये ऑलराउंडर है, इसे सब कुछ आता है। यहाँ पर दिवाली की पूजा भी हो गई और पूजा के बाद हम लोग जाते हैं हमेशा की तरह मंदिर, बलकेश्वर मंदिर जाते हैं और वहाँ से ही हम जाते हैं लक्ष्मी मंदिर। लक्ष्मी मंदिर से वहाँ पे घाट पर, बलकेश्वर का जो घाट है यमुना जी का, वहाँ पे भी जाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट कर लिए गाइस, आपको दिखा पाएंगे। इस बार क्या हुआ कि मास्क पहनना हम भूल गए, सबके मास्क रखे ही रह गए। तो हमने क्या करा, फिर मैंने है कि से अपना मुंह ढका, बच्चों को फिर मतलब अंदर जाने ही दे रहे थे बिना मास्क के, तो हमने फिर ऐसे तैसे ही कुछ कर लिया। तो गाइस प्लीज़ देखो, भव्य ने मेरा दुपट्टा ले लिया। आप लोगों को भी काफ़ी हंसी आएगी क्योंकि हम लेके नहीं गए थे। वैसे हर जगह हम मास्क लगा के जाते हैं, यहाँ तक कि गली में भी निकलते तो भी मास्क होता है। तो लोगों ने हमें टोका भी कि ये क्या हो रहा है, आज आपने मास्क नहीं लगाया। अब क्या था कि दिवाली थी, साथ ही अच्छे कपड़े, मेकअप, ये छुप जाता, अब कुछ भी समझ लो आप लोग, नहीं लगा पाए। तो अब हम आ चुके हैं लक्ष्मी मंदिर। लक्ष्मी मंदिर भी देख सकते हो आप, पहले भी हमने कई बार कई ब्लॉगों में आपको दिखाया है। ये है यमुना जी का घाट, इस घाट पे ये मंदिर है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए लक्ष्मी माँ के। तो किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था, फिर हमने ना ऐसे ही तैसे मतलब कुछ ना कुछ लगा के, हाँ, एडजस्ट कर लिया था हमने। तो यहाँ पे लक्ष्मी मंदिर काफ़ी नीचे जाके है, चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए लक्ष्मी माँ के। आप सब पर कृपा बनी रहे, पता है इस बार यहाँ भीड़ नहीं है कोरोना की वजह से, वरना यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है आज के दिन। जय हो लक्ष्मी माता। तो आज कोरोना की वजह से मंदिर खुले नहीं थे, फिर रात को इन लोगों ने खोल दिए। तो मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि मंदिर खुल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको भीड़ नहीं दिख रही।
ये बल्केश्वर का यमुना जी का घाट है, यहीं पे कैला देवी का भी मंदिर है, चलो उनके भी दर्शन करा देते हैं आप लोगों को। दिवाली का त्यौहार आता है, काफ़ी अच्छा लगता है, हर जगह दीपक जलाने जाते हैं, यहाँ सब जगह दीपक रखे जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन इस बार ना कोरोना ने सब कुछ ख़त्म ही कर दिया था, फिर भी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि फिर भी दिवाली अच्छी बनी। आप लोगों की दिवाली कैसी बनी आप भी हमें ज़रूर बताना। ये यहाँ पे हम हर साल सेल्फी लेते हैं, पीछे का नज़ारा दिखता है जो दूर दूर तक रोशनी रोशनी दिखाई दे रही है, बीच में यमुना जी हैं, यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइज आप लोगों के लिए ये तो हो गया दिवाली ब्लॉग, अब आपके लिए एक और ब्लॉग आएगा जिसमें हम दिखाएंगे आपको शादी, क्योंकि दिसंबर में कज़िन की शादी है तो उसका वीडियो का शूट करती हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा कर ही लेंगे। और देख सकते हो भव्य आरती जा रहे हैं घाट पर दीपक जलाने। तो मेहंदी की बात करते हैं, मेहंदी क्लास में आपकी जो मेहंदी वीडियो आएगी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी कि किस तरीके से आप मेहंदी लगाना सीख सकते हैं। वैसे आपने पूरी वीडियो नहीं देखी होगी, वरना आप कमेंट करके मुझे ये नहीं बोलते कि आपने बताया नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया, जिसकी ड्राइंग अच्छी है, ड्राइंग सीखना होता है, फूल पत्ती वगैरह जिसको आती है वो अच्छे से मेहंदी लगाना सीख सकता है। अब हम वापस घर जा रहे हैं, मतलब मंदिरों में जाने में कम से कम आठ नौ घंटा तो लग ही जाता है। इस बार हमने पटाखे नहीं फोड़े, ये पिछले साल की यहाँ पर फुलझड़ी रखी हुई थी, तो आद्या को बहुत शौक है इस बार पटाखे नहीं जलाने, केवल दिए जलाने हैं, तो हमने दिए जलाए, वो पिछले साल की फुलझड़ी रखी हुई तो आद्या जला रही है। और बच्चों को कितना भी मना करो, बच्चे कहाँ समझने वाले हैं, इसलिए हमने जलाई, वरना इस बार पटाखे हमने बिल्कुल भी नहीं फोड़े और फोड़ने भी नहीं थे। और हमने रिक्वेस्ट भी की थी सबसे कि प्लीज़ कोई पटाखे ना जलाएं, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले ही हाल बेहाल हो रखा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता, पॉल्यूशन बहुत हो जाता, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने, बहुत सारे लोगों ने पटाखे फोड़े, बट जैसे फोड़े जाते थे उसके अकॉर्डिंग बहुत कम थे, काफ़ी समझदारी दिखाई है लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी गली में तो बिल्कुल भी किसी ने पटाखे नहीं फोड़े, सब ने समझदारी दिखाई और काफ़ी अच्छा किया। वैसे ही पटाखे फोड़ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आवाज़ होती है, बहुत बुरी तरीके से चलाते हैं बॉम्ब वगैरह, अच्छा किया ये ना, इस पर रोक लगनी चाहिए इस साल, क्या मतलब इस साल से बंद ही हो जाने चाहिए पटाखे, फुलझड़ी जला लो, छोटे मोटे जो पटाखे जला लो, कम पॉल्यूशन करें, हाँ जो कम पॉल्यूशन करें। दिवाली होती है दियों से ना कि पटाखों से, तो ये पटाखों पर तो रोक लगनी ही चाहिए। अगर डीएमई फैमिली आप भी सहमत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप भी चाहती हो कि पटाखे बंद हो, मैं तो चाहती हूँ। दिवाली होती है रोशनी से, दिए जलाइए अच्छे से, पूरे घर को रोशनी से नहलाइए, नई नई लाइटें लगाइए, काफ़ी अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि हम पटाखे फोड़ें तभी दिवाली है, हाँ फुलझड़ी जला सकते हैं कोई नहीं, लेकिन फुलझड़ी फिर ऐसी बन जाएंगी जिसमें पॉल्यूशन ना हो, जब बंद होंगी चीज़ें तो सब कुछ हो सकता है। चलिए मीनू अपना डायलॉग बोल देते हैं, आप देखते रहिए हम दिखाते रहेंगे, आप सीखते रहिए हम सिखाते रहेंगे, और देखते रहिए दुर्गाक्षी मेकओवर्स एंड ब्लॉगर। गाइज आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और मेरा ऐप भी पेज भी है दुर्गाक्षी ब्यूटी पार्लर, तो आप उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मैं काफ़ी पिक्स डालती रहती हूँ। आद्या को बहुत पसंद है, अरे अगर फुलझड़ी नहीं जलाते तो आद्या रो, हाँ दिवाली नहीं होती, रो रो के बुरा हाल हो जाता, तो उसके लिए हमने ये फुलझड़ी जलाई और इत्तेफाक से मिल भी गई, क्योंकि हमने कुछ मंगवाया नहीं था, पटाखे वगैरह कुछ भी नहीं, तो ये रो रही थी तो मैंने सोचा कि देख लेती हूँ, पिछले साल उठा के रख दिए थे कुछ पटाखे वगैरह, तो पटाखे तो नहीं जलाए, फुलझड़ी जला ली, तो मैंने कहा इसके लिए निकल ही आई हैं तो जला ही लेते हैं।
सो गाइज एंजॉय करिए इस ब्लॉग को और देखते रहिए दुर्गाक्षी मेकओवर्स एंड ब्लॉगर। कुछ पिक्स भी हमने आपके साथ शेयर की हैं, हाँ उन्हें भी देख लीजिएगा कैसी लगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आई हो, हमें आप पहली बार देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो मिले आपको सबसे पहले। तो आप भी हमारी DME फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए अगर आप नहीं बने हो, और ऑलरेडी आप DME फैमिली के मेम्बर हो तो आपको बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू।